भारत के सभी राज्यों की खबर, खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, खबर SNS टीवी से मैं अश्विनी। देश की बड़ी खबरों में आप सबका स्वागत है। भंडारा तुमसर राज्य मार्ग पर खरबी के पास सास को छोड़कर अपने घर वापस जा रहे बालचंद ठोमरे और उनकी पत्नी अनिता ठोमरे, इन दोनों को रस्ते के सड़क में बात कर रहे थे, तभी उलट दिशा में आने वाले टिप्पर ने कुचल दिया, जिसमें इन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कल 27 अगस्त 2023 रविवार भंडारा तुमसर राज्य मार्ग पर हुए हादसे के बाद देश का ओरिजिनल हीरो कहने वाले चरण भाव वाघमारे, जो जनता के लिए आवाज उठाते हैं, वह खुद घटनास्थल पहुंचकर उन्हें न्याय दिलाने रोड पर खड़े होकर प्रशासन को जगाने का काम किया। SNS न्यूज चैनल आए दिन भंडारा जिले के सड़क पर बने गड्ढों की न्यूज लगा रहे, ताकि प्रशासन जल्द से जल्द सड़कें ठीक करे, जिससे अवगत होना रुके। नागपुर में आए भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ऐसी टिप्पणियां जारी रही तो भाजपा के कार्यकर्ताओं का आक्रोश भड़क हो सकता है। हमने अगर ईंट का जवाब पत्थर से देने का तय कर लिया तो राज्य में स्थितियां कुछ और होगी। भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने रविवार 27 अगस्त रात विश्व एटलांटिस चैंपियनशिप में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर सभी भारतीयों की उम्मीदों को पूरा किया। इस जीत के साथ ही नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। नागपुर के यशोधरा नगर थाना अंतर्गत पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी डकैती को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए थे, उस समय पुलिस को संदेह हुआ और उन्होंने इन्हें गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के संभल में 2 लोगों की हत्या से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। दोनों शवों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। आरोपी की तलाश जारी है। जिले के गांव लावर में अलग अलग पशुशाला सोरे चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मथुरा में रविवार को पवित्र एकादशी के पावन पर्व पर वृंदावन में अपने आराध्य के दर्शन को श्री बांके बिहारी मंदिर में भारी संख्या से एक बार फिर अव्यवस्था फैल गई। वह भीड़ अनियंत्रित को लगाई गई रेलिंग गिर गई, जिससे लोग बार बार बचे, कदम कदम पर अव्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालु पहुंचते नजर आए। हथियारों की तस्करी के लिए कुख्यात सातपुड़ा रेंज का पचोरी गांव एक बार फिर चर्चा में आ गया है। बेरहानपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश सीमा के पास 20 देसी कट्टा के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गोंदिया जिले में बढ़ती दुर्घटना और मौतों की संख्या को देखते हुए पुलिस विभाग ने हेलमेट अनिवार्यता को प्रभावी ढंग से लागू करना शुरू कर दिया है। इसके तहत पिछले 50 दिनों में 5,000 से ज्यादा दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अकोला के निवासी रामगांव 28 वर्षीय मंगेश जानराव ताइडे नामक आरोपी को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया और 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। बनाम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोगरकर की अदालत ने यह फैसला सुनाया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज आहिर ने वेकोली प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों को वेकोली क्षेत्रों में आधुनिकीकरण अपनाने और ड्रोन के माध्यम से निगरानी करने और CCTV कैमरे लगाने का निर्देश दिया। प्रतिदिन सैकड़ों नागरिक भंडारा से वर्टी रेलवे स्टेशन तक यात्रा करते हैं। हालांकि इस रास्ते पर जाने से जान हथेली पर लेकर सफर करना पड़ता है। इस सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है और कई लोगों की जान जा चुकी है। इस गंभीर मामले पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्षेत्र के पीड़ित यात्रियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ऑटो रिक्शा चालक मालक संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दाभा मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढों में पेड़ लगाकर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया।